फैसला कमीनी ने जब माले गनीमत तकसीम हुआ था तो उसने ये कहा था खड़े होके, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु, इंसाफ कीजिए। तो आपने, आपका चेहरा नंबर मुतैन हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक जलाल में आ गए, रंग मुबारक सुर्ख हो गया। आपने बताया कौन है रब के पास जो मुझसे ज्यादा इंसाफ है। कौन है कायनात में रब के बाद जो मुझसे ज्यादा इंसाफ है। तो वो उसने पे क्या किया, ये सनद के साथ हदीस और कमो बेश 50 के करीब कुतुब हदीस है जिनमें ये हदीस वाले 50 के खिलाफ लगभग। तो उसने क्या किया, उसने कमर की हदीस, जब आप बुजुर्गों के दरों पे जाते हैं दरगाह को कहा जाता है कमर ना करें, वो असल में बुजुर्ग का अदब एक अपनी जगह पे है लेकिन कमर करके मुशाबियत होती है ज़ुल्फ़ वैसरा कमीनी के साथ। मन तशब्बह बिकौमिन, उसके अमल के साथ वो अमल मिलता है जाकर कि उसने कमर की थी, कमर करके हजूर को वो मस्जिद के अंदर चला गया था इबादत करने के लिए। एक तरफ वो कमर करके इबादत करने गया और दूसरी तरफ सैयदना अली मुर्तजा ने अपनी नमाज अदब मुस्तफा में कदा कर दी, अल्लाह ने दोबारा अता फरमा दी। तो जिसने कमर करके जाके अंदर इबादत शुरू की, हजूर ने फरमाया इसकी नस्ल में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो कुरान पढ़ेंगे तो आपको अपना कुरान उनके आगे हेच लगेगा, तो नमाज पढ़ेंगे आपको अपनी नमाज उनके आगे हेच लगेगी, लंबी लंबी दाढ़ी होंगी, पिछले दाग होंगे, सर मुंडे हुए होंगे, सलवारें बंडलियों तक होंगी, दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है। इससे मुराद क्या है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के लिए, अदब है तो आप जिस मुकाम पर भी हैं आपको फैज मिलेगा, दुआ भी मिलेगी। अदब नहीं, दिल में अदब नहीं तो दरे मुस्तफा से भी लोग खाली आते देखे गए हैं। तो अदब क्या है, अदब पहला करीम है मोहब्बत की करीम, इसलिए अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक दे। और ये कहना, ये जो इन्होंने अल्फाज कहे हैं क्या है, जहरा के बाबा, बाद लोग इसको ले जाते हैं शिर्क की तरफ, वो उनकी जहालत है। जो बिगड़ी बनाने वाला है वो कोई भी उस्ताद हो सकता है, बिगड़ी हुई चीज को कोई ठीक करता है, उजड़ी हुई चीज को, घड़ी है खराब हो गई है उजड़ गई है, टाइम सही नहीं बताती, जो ठीक करने वाला है वो उसकी बिगड़ी बना रहा है। गाड़ी है इंजन सीज हो गया है, गाड़ी का मैकेनिक उस बिगड़ी हुई चीज को संवार रहा है, तो क्या कर रहा है, उसकी बिगड़ी बना रहा है, चलने के काबिल बना रहा है। कैटेगरी है ना, हर बंदे का दर्जा है। तो जब आप नबुवत के मकाम पर पहुंचेंगे तो फिर कहेंगे या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नी फी बहरि हम मिन मुग़रक़ुन फ़ज़दी साहिलना। फिर वहां जो बिगड़ी बनेगी दरे मुस्तफा से वो आपको जन्नत में जाने के काबिल बना देगी, जब उनकी नजरे रहमत हो। कैटेगरी है हर चीज, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे और हम सबको अदब वालों में शामिल फरमाए।